अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चाय। वैसे तो आपने ग्रीन टी, पिंक टी, कश्मीरी चाय सब सुनी होगी, लेकिन आज मैं जो बनाने जा रही हूँ चाय, ये हाजमे के लिए है। जिस तरह ग्रीन टी काम करती है, इसी तरह ये भी हाजमे के लिए काम करती है। ये है सौंफ की चाय। मैंने 2 कप पानी लिया है। 2 कप पानी में मैं 1/2 टीस्पून सौंफ और 1 छोटी इलायची, इसको कुचल दिया ताकि ये थोड़ी सी फट जाए, दाने नज़र आने लगे। सिर्फ दाने निकाल के नहीं डालना, बल्कि छिलके समेत डालना है। लेकिन 1/2 टीस्पून सौंफ और 1 अदद छोटी इलायची लिए, इसको मैं पानी में डाल दूँगी 2 कप पानी में। अब ये उबलेगा पानी, इसको तकरीबन पानी बॉयल होने के बाद मैं इसको 1-2 मिनट इसको बॉयल आने दूँगी, फिर मैं इसमें चाय की पत्ती डालूँगी। जब ये 1 मिनट तक मैंने इसको सौंफ को और छोटी इलायची को डाल के पकाया है, अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून चाय की पत्ती डालूंगी और इसका ढक्कन ढककर इसको भी तकरीबन 1 मिनट पकाएंगे हम। बल्कि साथ ही हम इसमें दूध भी डाल देंगे। ये थोड़ा सा पकना शुरू हुआ, अब हम इसमें साथ ही 1 कप दूध डाल देंगे। अब इसको चलाएंगे और पकने देंगे। अच्छा, जिनको शुगर ना हो, साथ में इस वक्त चीनी भी डाल सकते हैं। और मैं चीनी इसलिए नहीं डाल रही कि ताकि वो लोग भी इस चाय को पी सकें जिनको शुगर है, ठीक है। जिसको शुगर पीनी होगी वो अपने कप में जितने अपनी जायके के हिसाब से डाल लेगा कि उसको कितनी चीनी की ज़रूरत है। लिहाजा ये मैं जो सौंफ की चाय बना रही हूँ, ये इस वक्त बग़ैर चीनी के बना रही हूँ। ये उबलता जाएगा, एक दफ़ा इसमें बॉयल आएगा, मैं चूल्हा फिर आहिस्ता कर दूंगी, फिर इसमें बॉयल आएगा, फिर 1-2 मिनट तक इसी तरह 2-3 दफ़ा इसमें बॉयल आएगा, मैं चूल्हा आहिस्ता कर दूंगी, फिर चूल्हा तेज़ करूंगी, फिर बॉयल आएगा, फिर चूल्हा आहिस्ता कर दूंगी, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसमें 2-3 बॉयल आ चुका है। अब मैंने इसको थोड़ा सा चमचे से चला के और इसको ढक दूंगी ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए, सौंफ का, छोटी इलायची का, चाय की पत्ती का। फिर मैं कप में निकालती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कप में निकाल दी है और इसके टेस्ट जब आप इसको पियेंगे तो आपको सौंफ का जायका, छोटी इलायची का जायका सब महसूस होगा। और ये चाय पीने के बाद इंसान जो हैवी खाना खा लेता है, कभी कोई निहारी या पाए वगैरह, वो हाजमे में मदद देगा। जिस तरह ग्रीन टी पीते हैं, इस तरह ये सौंफ भी जो है, सौंफ भी हाजमे के काम आती है। तो सौंफ की चाय है तो ये भी आपके खाना हज़म करने में काम आएगी। तो लिहाजा इसको खाने के बाद आप चाय बना के सौंफ की पी सकते हैं। पसंद आएगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये चाय आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।